हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे. आई एम अनीश, आई एम कमिंग फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया. आई हैव हाईजैक्ड विजय वेदांत फोन. आई विल बी डूइंग हिज व्लॉग टुडे. वी आर ऑन द फर्स्ट स्टॉप Nageshwara Jyotirlingam. 7 day. So this is our first stop. Our second stop will be Gopi Talbat. Anyway, I want to talk about a little about myself. I am born in Australia, been there whole life, 21 years. Grew up there, everything is there. And after 9 years, I only came when I was little. After 9 years, I'm coming back to India. Joining this yatra has been one of the best experiences I've ever had. So recommend it to anyone. ISKCON. And yes, that's it. हरे कृष्णा. तो मैंने अनीश से अपना फ़ोन वापस ले लिया है और अभी हम यहाँ पे हैं वंडरफुल स्टैचू के नीचे. और मैं आप सभी लोगों को बता दूँ, आज मेरे 8 ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो चुके हैं. आउट ऑफ 12 आई हैव टेकन द दर्शन फॉर लाइक 8 ज्योतिर्लिंग्स. और ये था 8th वन जो हमने विज़िट किया अभी. तो अभी हम गोपी तालाब जाने वाले हैं इसके बाद. और आज का दिन बहुत इंटरेस्टिंग है. आज फेरी राइड भी है. हम लोग विजिट करेंगे, पूरा सारा देखेंगे, आपको सब दिखाएंगे. बहुत इंटरेस्टिंग डे है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा. देखिए क्या अमेजिंग वंडरफुल स्टैचू यहाँ पे बनाया गया है. आप सभी लोग देख सकते हो, ये राम नाम का पत्थर है. जैसे राम सेतु में पत्थर पे राम नाम लिखा गया था, और उसके बाद वो कैसे पत्थर जो है वो पानी में तैरता था. देख सकते हैं आप, यहाँ पे वो पत्थर है. अरे वो 5 करोड़ रुपए के खर्च के ऊपर गुलशन कुमार टी सीरीज कंपनी के मालिक ने नागेश्वर मंदिर का रिनोवेशन काम करवाया. आप लोग नागेश्वर दर्शन करने के बाद 6 किलोमीटर आगे गोपी तालाब है, जहाँ श्री कृष्ण की 16,108 गोपियाँ कृष्ण कृष्ण करके तालाब के अंदर समाप्त हो गई, मिट्टी बन गई. तालाब का नाम गोपी तालाब. तालाब में से मिट्टी निकलती है, उसको गोपी चंदन कहा जाता है. गोपी तालाब देखने के बाद बेट द्वारका जाना है, सुदामा भगवान कृष्ण को मिलने के लिए आए. 3 मुट्ठी घर से चावल लाए, चावल और तांदूर का भेंट किया. बेट द्वारका नाम है जहाँ से आप आए. ये द्वारका का नाम गोमती द्वारका है, क्योंकि यह मंदिर के पीछे गोमती नदी है. कृष्ण के घर लड़का हुआ, कौन? प्रद्युमन. प्रद्युमन जी के घर लड़का हुआ अनिरुद्ध, और अनिरुद्ध का बेटा राजा बज्रनाभ ने द्वारकाधीश मंदिर का निर्माण कराया. 100 साल आप जहाँ से आए वहाँ राज किया, वहाँ राजधानी और बेट द्वारका समुद्र के बीच में भगवान कृष्ण का घर. 4 धाम जगन्नाथ, रामेश्वर, बद्रीनाथ और द्वारका.
हमने ले लिया है गोपी चंदन, ये रहा हमारे पास यहाँ पे, आप देख सकते हैं ये वही गोपी तालाब है जिसकी अभी आपने इतनी कथा सुनी, और पीछे चलता हुआ ये हरे रामा हरे कृष्णा का भजन, और आप देख सकते हो यहाँ पे इस जगह पे आता है गोपी चंदन गर्मी के दिनों में जब ये पानी सूख जाता है, देखिए। चंदन गोपी सराई का गोपी चंदन, ओके कितने का ये? 10 रुपए का। और इसको निकालते कैसे हैं? ये वैशाख महीने आई गो गर्मी आएगी ना तब धूप आई है ना, हाँ। तो थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा पानी सूख जाता है ना, हाँ। तब निकालता है। अच्छा, जब पानी सूख जाता है तब निकालता है। तो अभी तो नहीं निकाल सकते? अभी तो नहीं निकाल सकते, हम तो 12 महीने का स्टॉक कर लेता है पूरा। अच्छा, पूरे 12 महीने का स्टॉक रखते हो? तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये वंडरफुल लोकेशन जो हम बैक द्वारका जाने वाले हैं अभी, और ये सारी सीगल्स हैं यहाँ पे जो हमारे पास आ रही हैं और फिर पानी में जा रही हैं। बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है यहाँ पे, हरे कृष्णा महामंत्र चल रहा है, कीर्तन चल रहा है यहाँ पे, देख सकते हैं आप लोग क्या एटमॉस्फेयर है, बहुत मज़ा आ रहा है। बस अभी हमने 3 फेरीज की हैं, यहाँ से निकलने वाले हैं हम फेरीज में, तो चलिए लेट्स गो।